नमस्कार, लूनर एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि सबसे कार्मिक दशाएं कौन सी होती हैं। आप देखिए कि सारी की सारी दशाओं का एक सीक्वेंस है, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र और वो बुध तक जाती हैं, एक से लेकर नौ तक, नौ नक्षत्र, और उसके बाद फिर वो साइकिल रिपीट होता है। यही जो साइकिल है अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा एक रीजन है कि केतु से चालू होती है और बुध पे हमेशा खत्म हो जाती है। केतु को सोल बोला गया, स्वच्छंद, तो इसलिए जो भी ग्रह केतु के नक्षत्र में जाता है तो वहां पे इंसान जैसे कि बात नहीं सुनता, क्योंकि उसको सुनना होता ही नहीं, जद्दी होता है। केतु लगन का हो, लगन के मालिक के साथ केतु हो, नहीं सुनता किसी। और जिस घर में आके बैठ जाता है, सपोज कीजिए जैसे एक तुला लग्न की कुंडली और शुक्र केतु ग्यारहवें घर में हो, तो वो इंसान अपने प्रतिष्ठा से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, किसी और की सलाहें नहीं लेता, सुनेगा ही नहीं। तो इसलिए लोगों को लगता है ये पागल है, इसको बोलना ही नहीं चाहिए। मैंने एक रूल बताया था कि केतु शुक्र अगर केतु के नक्षत्र में हो तो इंसान ऐसी व्यक्ति से शादी करता है जो उसके घर में किसी को पसंद नहीं आता, उसका पार्टनर। बहुत सिंपल सा रूल है, पर ये आप रूल किसी भी जगह पे लगाइए। शनि केतु, केतु साथ बैठ जाएगा, केतु के नक्षत्र में शनि बैठ जाएगा तो इंसान वो काम करेगा, किसी को समझ में नहीं आता कि इंसान क्या काम कर रहा है। केतु ऐसे ही, केतु ना सोल है, समझ में नहीं आता, डिस्ट्रॉय नहीं होता सोल कभी भी। गीता आपने पढ़ी हो तो आपको पता है कि आत्मा किस तरीके से बिहेव करती है। तो आपको लगता होगा शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, पर ऐसा है नहीं। केतु का जो नक्षत्र है ना, वो बर्ड्स आई व्यू है, वो ऐसा है जैसे ड्रोन। आप देखिए बहुत सारे ड्रोन्स के डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं उनके केतु के नक्षत्र प्रोमिनेंट होते हैं। रीजन बीइंग इज क्योंकि केतु ना बर्ड्स आई व्यू देता है। केतु दिखाता है कि आप सो लेवल से जो देख सकते हो बाकी लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप ऊंची जगह पे होते हो, ऊंची जगह से बैठ के देख सकते हो, आपके एक व्यू होता है, आपको पता है सारा खेल तमाशा है, ज्यादा सरदर्दी नहीं लेनी है इसके अंदर। तो केतु वो डिटैचमेंट देता है। मरकरी के जो नक्षत्र हैं जितने भी, तीनों के तीनों, वो देखिए तीनों के तीनों बुध के नक्षत्र ना इमोशनल साइंस में है, 4-8-12 में, क्योंकि बुध बंधन देता है। बुध पहले 8 नक्षत्रों को बांध के रखता है, बुध का नक्षत्र। इसलिए ना अश्लेषा नक्षत्र की जो कुंडलिनी एनर्जी है वो कई बार जब रिलीज होती है तो बहुत सारे कार्मिक इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं, अच्छे या बुरे, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी एनर्जी कहां पे स्टोर कर रखी है। क्योंकि जितने भी बाकी 8 नक्षत्रों की एनर्जी, उन सबको बांधता बुध है हमेशा। बुध नाम है, 4-8-12 में आप देखोगे तो नाम ही छूटता है, बाकी कुछ नहीं छूटता। और नाम को सबसे आखिरी में इसलिए डाला गया, तो अगर आप देखोगे तो केतु पहला है, शुक्र उसके बाद है, उसके बाद सूर्य है, फिर चंद्र है। तो ये सीक्वेंस आप देखिए, पहले इंसान सोल होता है, उसके बाद जब सोल से किसी के स्टमक में आ जाता है, माँ के गर्भ में आता है, तो पूछा जाता है कि इसका वंश कौन है, शुक्र लिनेज। उसके बाद सूर्य पता चलता है कि इसका पिता कौन है, पिता पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है इसकी मदर कौन है, या फिर ये कौन से गांव से, आपसे कभी कोई पूछेगा पहले आपसे, मतलब अभी तो आज के दौर में लोग अपने फादर का नाम या गुरु का नाम नाम के साथ नहीं लगाते लोग पहले, लेकिन पुराने जमाने में अभी भी बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे लोग अपने फादर का नाम अपने नाम के साथ लगाते हैं। मतलब मेरे बहुत सारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स आज भी अपना नाम के अंदर फादर का नाम लिखते हैं। तो शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के चंद्र, उसके बाद वो जगह आती है, गांव का नाम आता है या शहर का नाम आता है, माँ का नाम आता है कि ये आपका पहचान है। चंद्र के बाद मंगल, कि आपका क्या पोजीशन है, आपका समाज में क्या व्यवस्था है, आप किस गोल गोत्र से आते हो, वो ये बताता है कि मंगल आपके कर्म कौन से हैं। मार्स, मंगल का नक्षत्र है ना, वो है आपके पूर्वजों के किए हुए कर्म। तो आप जब भी अपना नाम बता, आप चालू करते बताना कि ठीक है मेरी मदर का नाम ये है, मैं यहां से आया, फिर आप बताते हो कि देखो उस लीनेज के अंदर, माई लीनेज के अंदर ये लोग हुए और हमने ये कर्म किए, इसकी वजह से हम फेमस हैं, या ये हमारे पूर्वजों के कर्म थे। वो आपके पूर्वजों के कर्म है, मंगल जो है पूर्वजों के कर्म बताता है। उसके बाद आता है नक्षत्र राहु का। राहु के नक्षत्र में जितने भी ग्रह होते हैं, राहु
वो आप हमेशा एम्पलीफाई करके बताते हैं कि देखो मार्स और कॉम्बिनेशन ना चीजें बड़ी बनाता है, तो आप हमेशा अपने पूर्वजों की जो बखान है, प्रतिष्ठा है, वो हमेशा बड़ी करके बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये काम किए। मार्स के बाद राहु का नक्षत्र, या राहु का नक्षत्र ये भी दिखाता है कि आपके पूर्वजों ने ऐसा कौन सा काम किया, कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स था, कौन सा सोसाइटी से अलग जाके किया। आप कोई भी कोई ऐसी चीज बताते ना अपने पूर्वजों के बारे में कि जो नॉर्मल हो, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने ये काम किया जो गांव में सबसे अलग था या शहर में सबसे अलग था, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके वजह से वो पहचान है, या हमारे घर के अंदर सबसे पहली बार ऐसी चीज हुई थी। तो आप देखिए वो सीक्वेंस है, मार्स के बाद राहु, राहु का नक्षत्र ये दिखाता है, राहु के बाद आता है जुपिटर, उसके बाद आप अपने गुरु का नाम बताते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, यहां से मैं सीखूंगा, मेरे एजुकेशन क्रेडेंशियल्स है। ये बताते हैं कि आपके परिवार ने समाज की भलाई के लिए क्या क्या काम किया, कितने विद्वान लोग आपके परिवार में हुए, कौन सी चीजें आपके परिवार के उससे हुई कि जिसके वजह से ना समाज का भला हुआ, कौन से आप गुरु के कुल, कौन से गुरु की लीनेज से आप आते हैं, कौन से विद्या आपने ग्रहण करी है, क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या आपका बैकग्राउंड है। आज के दिन में भी लोग एटलीस्ट अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बताते हैं, तो ये गुरु के नक्षत्र बताता है। उसके बाद आता है सैटर्न, सैटर्न आपका अपना कर्म कि आपने कौन सा कर्म करा है, आप किस कर्म को करने के लिए आज यहां पे आए हैं, आपने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या करा है। मंगल का जो नक्षत्र था वो आपके पूर्वजों के कर्म थे जो आप बता रहे थे वहां पे, और उसके अंदर आप बड़ाई कर रहे थे, उसके राहु के की बड़ा चढ़ा के बताते हैं, मार्स का राहु, मार्स राहु चीजों को बड़ा बनाता है, तो आप पूर्वजों के कर्म बड़ा चढ़ा के बताते हैं। उसके बाद जुपिटर आता है, गुरु का नाम बता रहे हैं, फिर कर्म बता रहे हैं अपना सैटर्न, और उसके बाद बुध का नक्षत्र आता है, इस अंदर आप अपना नाम बताते हैं। तो केतु से लेकर बुध तक ये सीक्वेंस दिया गया है, ये बहुत ध्यान से देखने वाला सीक्वेंस है, क्योंकि ये आपको कंप्लीट लाइफ स्टोरी बताता है आपको कि आप सोल से चालू हुए थे और आपका नाम एंड में क्या रहता है। आपका नाम सबसे आखिरी चीज है जो आप बताएंगे कभी भी, और आपका नाम सबसे आखिरी चीज है जो मिटाया जाएगा जब आप जाएंगे रेवती नक्षत्र में। तो केतु से चालू करना है, केतु का नक्षत्र ना बंधन काटता है, एक नई स्टार्ट देता है, और इसलिए बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति इतना स्वच्छंद, इतना ये सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है, ये उस पैरामीटर में फिट नहीं हो रहा, आपको चैलेंज कर रहा है, तो वो केतु का नक्षत्र लोगों को समझ में नहीं आता, और जो चीज हमको समझ में नहीं आती या तो हम उसको गालियां देते हैं या ये कहते हैं बेवकूफ आदमी है, इस ये सोसाइटी के पैटर्न में फिट नहीं बैठ रहा। मतलब एक बहुत सिंपल सा वो है कि कोई इंसान शादी नहीं करे तो सोसाइटी के पैटर्न में फिट नहीं बैठ रहा। तो कई बार इंसानों को खुद को लगने लगता है ऐसा तो नहीं है कि मैं पागल हो गया, कि ये जो केतु मेरे को पैटर्न फिट नहीं पहन देता। तो दूसरा सबसे कार्मिक नक्षत्र है वो बुध के, क्योंकि वो साइकिल को एंड करवाता है, वो दिखाता है कि एंडिंग किस तरीके से होगी आपकी, आप कितनी इजिली चीजों को छोड़ पाएंगे नहीं छोड़ पाएंगे। बुध नाम है, तो बुध में केतु और केतु में बुध हमेशा नाम खराब करवाते हैं या नाम बहुत अजीब दे देते हैं। तीसरे घर का केतु स्टैमरिंग इसलिए देता है क्योंकि वो थॉट्स को प्रोसेस नहीं होने देता। बुध जितना छोटी से छोटी चीज के ऊपर अपना डिटेल कैरी करता है, प्रोसीजर्स फॉलो करवाता है, केतु उतना ही स्वच्छंद है, केतु बोलते इसको मानना ही नहीं है। तो किसी इंसान का जब कोई ग्रह बुध के नक्षत्र में हो, मरकरी नक्षत्र में, तो देखना कि वो मरकरी नक्षत्र के अंदर एक के बाद एक अपने सारे के सारे कर्म इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको नाम चाहिए होता है, नाम के लिए काम करता है इंसान बुध। और केतु के अंदर कोई नक्षत्र कोई ग्रह हो केतु के नक्षत्रों के अंदर कोई ग्रह चल जाए, केतु की दशा आ जाए, तो इंसान काम अपने लिए कर रहा होता है, अपने सोल के सेटिस्फेक्शन के लिए। मेरे को पसंद है मैं करूंगा, तुमको पसंद आया नहीं आ रहा हो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। सबसे कार्मिक दशा होगी हमेशा बुध की होगी, क्योंकि बुध की दशा चीजों को खत्म करवा रही होती है, छुड़वा रही होती है। आपकी तरह माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत अफेक्टेड होते हैं लोग इस दशा के अंदर, छोटी से छोटी बात। पर आप ये सोचिए कि ये जो लाइफ का एक पैटर्न है ना, ये एंड होना है बुध के नक्षत्र में, बुध का ही जो दशा है सबसे कार्मिक दशा होगी।
कोई भी ग्रह जो बुध के नक्षत्र में बैठेगा चीजों को एंड करवाएगा, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, आपको लगता है हर चीज को निभाना चाहिए, हर रिलेशन बुध रिलेशन हैं, इसलिए रिलेशन निभाता है इंसान बुध के नक्षत्र में, और केतु उतना ही नहीं मानता। यही अगर सूर्य का नक्षत्र हो, केतु के बाद सूर्य का नक्षत्र चालू होता है, सूर्य के नक्षत्र के अंदर इंसान शुक्र का नक्षत्र लीनेज वंशज, कोई भी ग्रह जो शुक्र के नक्षत्र के अंदर जाके बैठेगा आपको लीनेज से रिलेटेड खुशी या दुख आपको देगा, डिपेंडिंग ऑन कि शुक्र आपके चार्ट में कहां पे बैठा है, कैसा बैठा है, और वो प्लैनेट कौन से नक्षत्र, शुक्र के कौन से नक्षत्र में। आप देखिए तीनों के नक्षत्र जो है ना शुक्र के, चाहे वो भरणी हो, चाहे वो पूर्व फाल्गुनी हो, चाहे वो पूर्व श्रावण हो, तीनों नक्षत्रों में आप किसी और पे डिपेंड हैं। भरणी में आप मां के स्टमक में थे, वाटर बैग में थे, आप मदर के ऊपर डिपेंडेंट थे। पूर्व फाल्गुनी के अंदर आप अपने एडवाइजर्स पर डिपेंड हो जाते हैं, आपके पास एडवाइजर्स नहीं हो, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र खराब है, आपके एडवाइजर्स खराब है, आप खराब हो जाओगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर आपको जितने भी ट्रबल्स आएंगे या जितने भी खुशियां मिलने वाली है, शुक्र का नक्षत्र क्यों, शुक्र का नक्षत्र लीनेज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र ही ये बताता है कि आप जब दोबारा पैदा होंगे, साइकिल है दोबारा पैदा होने की, आप जब दोबारा पैदा हुए आपके जो डीप संस्कार थे माँ बाप के भरे हुए, बहुत सारे जन्मों के भरे हुए, वाले काम आप करना चालू कर देते हैं शुक्र के नक्षत्र के अंदर। हर एक दशा एक अलग कर्म लेके आएगी, हर एक प्लैनेट एक पर्टिकुलर प्लेस पे इसलिए बैठा है क्योंकि वो ये दिखा रहा है कि देखो आपको ना ये कर्म करना है। मतलब शुक्र लगन का हो तो मैं बोलता हूं कि इंसान को बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में करना पड़ता है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। शुक्र लगन का अपने आप में एक स्ट्रगल है, भले ही वो टॉरस का हो या लिब्रा का हो, स्ट्रगल जरूर देता है। जिस भी साइन में बैठेगा उस साइन से रिलेटेड आप देख रहे हैं ना स्ट्रगल कर रहा होगा इंसान को, बहुत स्ट्रगल के बाद वो चीज चालू होगी, बहुत चीज मिलेगी। मतलब शुक्र लगन का तुला में हो तो बोल देना कि शादी जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, रिलेशनशिप्स जो है, पैसा जो है बहुत मेहनत के बाद, स्टार्टिंग करने में बहुत एफर्ट लगेगा लेकिन होगा। तो आप ये देखिए कि शुक्र के नक्षत्र, मैं इस वाले वीडियो के अंदर सिर्फ तीन नक्षत्र कवर करूंगा बाकी आगे आगे, तो आप ये देखिए कि शुक्र के नक्षत्र के अंदर लीनेज से रिलेटेड ऐसा कौन सा संस्कार है जो आपके अंदर आए हैं, क्योंकि शुक्र का जो सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट है वो ये है शुक्र में बैठे हुए नक्षत्रों वाले ग्रहों का, कि वो आपको सेल्फलेसली काम करने पे मजबूर करते हैं। वो आपका डीएनए बताते हैं कि देखो आप कितना सेल्फलेसली किसी को दे सकते हैं। यही शुक्र का नक्षत्र है जिसके अंदर ना आपको बीमारी आनी चालू हो जाती है। मतलब शुक्र के अंदर शनि बैठा हो, शुक्र के नक्षत्र में शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, आप देख लीजिए प्लैनेट्स अपनी बीमारी देने चालू कर देगा, और वही जो बीमारी होगी ना लीनेज से चलती हुई आ रही होगी, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका लीनेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।